आज नौपद की बोली में पांचवा पद है साधु पद। कितने लोगों को मैं मिला हूँ, एक गलत फहमी में आज थोड़ी दूर करना चाहता हूँ, लोग साधु को त्यागी मानते हैं, मगर मैं आज वो क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, साधु वो त्यागी नहीं है। एक बात मैं समझ लो, एक भोगी है, एक त्यागी है, और इससे भी आगे एक तीसरे नंबर का स्टेप है जिनको हम योगी कहते हैं। भोगी वो है फूल की आशा में यात्रा पे निकलता है और कांटे पसंद करके बैठ जाता है, अरमान है फूल की यात्रा का, और जब मंजिल पे पहुंच जाता है तब इनके हाथ में कांटे आ जाते हैं, माने प्राप्ति भरपूर मगर अतृप्ति को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं। कितना भी पैसा पाया फिर असंतोष, कितना भी खाना पीना खाया फिर भी असंतोष, माने अरमान वो था कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, इसलिए भागता चला भागता चला, पुरुषार्थ और पुण्य का उपयोग प्राप्ति के लिए किया, मगर अंत में जब सोचा तब पता चला तृप्ति की अनुभूति 1% नहीं है, हाथ में अतृप्ति ही बची है। यात्रा की शुरुआत में जो अतृप्ति थी वो अतृप्ति शायद बढ़ चुकी है, कम तो नहीं हुई है। यह है भोगी की मानसिकता, अरमान फूल के और हाथ में कांटे, यह है भोगी की मान्यता। अभी दूसरे नंबर का स्टेप है त्यागी। हम बोलते त्यागी कौन है, तो त्यागी को एक पता चलता है कि इस यात्रा पे कांटे बहुत है, तो वो कांटे तो छोड़ देता है मगर यात्रा को पेंडिंग रख देता है, तो कांटे के दर से फूल को भी छोड़ दे, वो है त्यागी। मुनि त्यागी नहीं है। अब ये मानो कि मुनि ने संसार छोड़ दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुनि त्यागी नहीं है, मुनि योगी है। भोगी वो है फूल का अरमान लेकर के हाथ में कांटा पा लेना, वो है भोगी। कांटे के डर से फूल को भी छोड़ देना, वो है त्यागी। और कांटे के डर को मन में रखे बिना फूल की यात्रा पे निकल जाना, फूल से अपना नाता जोड़ देना, वो है योगी। कई लोगों के मन में ये कि मुनि वो होता है जो संसार का त्याग करता है, माँ बाप का त्याग कर देता है, मगर ये गलत फहमी है। जब मैंने भी दीक्षा ली तब मेरा परिवार था 5-7-10 लोगों का, और मैं चारित्र जिले में जब आया साधु बना, आप ये लगते कि मैंने माँ बाप छोड़ दिए, मगर नहीं, मैंने संसार के जो 10-12 स्वजन थे उनको छोड़ करके सारी दुनिया के जो जीव है वो चाहे चिट्टी भी है, चाहे मकोड़ा भी है, चाहे कुत्ता भी है, चाहे गद्दा भी है, चाहे बैल भी है, सारे जगत के जीवों को मैंने मेरा स्वजन बना लिया। दैट मीन्स मैंने स्वजन का त्याग किया होता अकेला तो मैं त्यागी कहा जाता, मगर छोटे संख्या में जो स्वजन थे उनको छोड़ करके बड़ी संख्या में जो स्वजन सारे जगत के जीवों उनके साथ मैंने नाता जोड़ दिया। दैट मीन्स हर मुनि न भोगी होता है, न त्यागी होता है, योगी होता है। मैं ड्रामा के साथ कहना चाहूँगा, यदि तुमने कांटे के डर से फूल को भी छोड़ दिया तो कांटे से तो बच जाएंगे मगर फूल नहीं पाएंगे, और फूल पाने के बाद जो सुवास की अनुभूति थी उनसे वंचित रह जाएंगे, माने अकेला त्यागी। यदि किसी अच्छे से जुड़ नहीं जाएगा इससे भी अच्छा, तो वो जीवन में शुष्क रहेगा, सुस्त रहेगा, अपने जीवन को निरस बना देगा, मगर योगी वो होता है अपने जीवन को रस सबर बना देता है। अब किसी मुनि भगवान को मिलो और उनको नज़दीक से देखो, शायद उनसे बात भी मत करो, उनको नज़दीक से देखो, उनको कभी आपके मन में सोचने के लिए तो मजबूर हो जाएंगे। चार दीवार के बीच में रहने वाले नो चेंज नो न्यू, वही उपास रहे, वही प्रतिगम, वही परिणाम, वही व्याप, वही लोच, वही साधना, वही गुरु भगवान, वही अपने साथीदार सहवर्ती मुनि भगवान, बिल्कुल नो न्यू एंड नो चेंज, फिर भी इतना हरा भरा मुनि का जीवन मस्त क्यों है, इनके चेहरे पे इतनी जबरदस्त मुस्कान क्यों है। यदि अकेला वो त्यागी होता तो वो थक जाता, कभी भी मुनि जीवन छोड़ने की भी सोच सकता था, मगर त्यागी नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपके संसार के क्षेत्र में यदि फ्लैट छोड़ दिया होता, अकेला फ्लैट भी तुमने छोड़ दिया होता तो तुम थक जाते, मगर फ्लैट छोड़ के तुम जब बंगले में जाते हो तो आप ये नहीं बोलते मैंने फ्लैट छोड़ दिया, आप ये बोलते हो मैंने बंगला पा लिया। तो मुनि ये नहीं कहता कि मैंने संसार छोड़ दिया,
मैंने भगवान को पा लिया, मैंने गुरु भगवान को पा लिया, मैंने संयम को पा लिया। देयरफॉर मैं इतना ही कहूँगा, न मुनि भोगी है, न मुनि त्यागी है, मगर मुनि योगी है। ये बात मैं ज्ञान सार के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। हमारे वहाँ ज्ञान सार में उपाध्याय जी मैंने एक शब्द लिखा है कि एक साल का दीक्षा प्रिया जिस मुनि का होता है वो मुनि अनुत्तरवासी देवलोक के देवता के सुख को भी अवट्य कर जाता है। यदि अकेला त्यागी होता तो वो इतना सुख, इतनी मस्ती, इतनी आनंद की अनुभूति 100% नहीं कर सकता। मगर मुनि ने जो छोड़ा है उससे भी ताकत वाला मुनि ने पाया है, उनके साथ उनका मन अटैच हो गया है और इसके लिए मुनि मस्त है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, भोगी त्यागी और योगी। संसारी भोगी है जो नहीं समझ पाता, जो जुट जाता है भगवान के हर अंग के साथ जुड़ जाता है, वो योगी है। आज वो मुनि पद की विशेषता है।